हेलो स्टूडेंट्स, साथियों, आप सबका ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स पे स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सिविल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स को समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं, ये एक लाइक सैंपल्स मान लीजिए, पूरे सेट्स नहीं है। पूरे सेट्स आपको मिलेंगे जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। क्लासेस बनेगी आपकी, जो कि 15 अगस्त को प्रस्तावित है कि क्लासेस बनेगी। तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और अपना सब्सक्रिप्शन करने के बाद अपना नाम और किस सिविल सर्विस के आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स के लिए, वो एग्ज़ाम्स के नेम्स यानी एग्ज़ाम्स जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और अपना नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज देंगे। ग्रुप बनेगा। और वैसे पेड क्लासेस हमारे चलते हैं, वो तो फिजिकल यहाँ अटेंड करेंगे बच्चे, लेकिन यूट्यूब पर भी आप हमें क्लास के रूप में डेली पा सकते हैं। और वो कब, जब आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और एग्ज़ाम्स नेम हमें लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए। आपका ग्रुप अगर बनता है तो आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की जाएगी फुल। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस है, और ये सिविल्स के जितने भी अभी ये मैथ का है, पूरे सेट्स आपको क्लास के रूप में मिल जाएगा, लेकिन अभी ये मैथ्स के लिए है। कुछ क्वेश्चंस का करेंगे हम, और इसमें आप जैसे समझा दें कि सिविल वाले जितने भी है अपर हाई लेवल्स एग्ज़ाम जो है, उसमें आपको ट्रिक्स और थॉट्स तो चाहिए ही चाहिए, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपका सबसे बेहतरीन हथियार, ब्रह्मास्त्र जो हो सकता है, वो आपका प्रैक्टिस हो सकता है। प्रैक्टिस आप कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और उसमें हम सहायता क्या करेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने में, तो आप वो क्वेश्चंस हमें भेज दें। अभी तो आपके एग्ज़ाम्स में हुए क्वेश्चंस उठाए गए हैं, आप देख रहे हैं कि ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 है, उन्हीं में से लिया गया ये सेट ए का क्वेश्चंस है। क्रम संख्या हम नहीं क्वेश्चंस के दिखा सकते, क्योंकि ये दिखा भी सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रम संख्या दिखाए। लेकिन ये सिविल सर्विसेज में आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हमें यहाँ पहुँचाइए। अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस का होगा। अभी हम आपके जो आए हुए एग्जाम सेट के क्वेश्चंस हैं, उनमें से कौन क्वेश्चन सैंपल के रूप में उठाकर मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सीखिए। तो चलिए, आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, उसमें मेरा थोड़ा ही सही लेकिन योगदान मेरा हो, ताकि जिस दिन आप बोलें कि हम सक्सेस हो गए, तो आपकी खुशियों के साथ साथ मैं अपनी खुशियाँ भी जोड़ सकूँ। तो चलिए, आप हमें लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर पर, चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम और एग्जाम्स नेम लिखकर भेजिए। आपका ग्रुप बनेगा तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, अन्यथा आप सारे आप जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में हैं आप यहाँ भेजिए, उसका सॉल्यूशन समझेंगे। कोई सलाह चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, कि तैयारियाँ जो आप कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह जाती है, वो किस तरह से करें उसको, सबके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चंस पहले देखते हैं। और क्वेश्चंस है ये कि एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को सिक्स के दिनों में पूरा कर सकते हैं, जहाँ के एक धन पूर्ण संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाए। यहाँ देखिए, इंग्लिश वाले, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, वेयर के इज द नेचुरल नंबर, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट
द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 5 डेज। कहता है कि कुछ लोगों की संख्या है जो 6 के गुणक में है, 6 के गुणक मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6, वो 6 होगा, 12 होगा या 18 होगा, ये ध्यान रहे पहले चीज। तो परसेंटेज चूँकि पूछता है, अगर नंबर होता तो उसमें एक टिक्स आपको मिल जाती कि वो जो नंबर होगा वो 6 के टर्म्स में होगा, यानी कि 6 का मल्टीपल्स होगा, लेकिन परसेंटेज यहाँ पूछा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर 6 के डेज में अगर पूरा हो जाता है और उसको 5 के डेज में पूरा करने के लिए जो नंबर ऑफ मैंस है, यानी कि आदमियों की संख्या है, वर्करों की जो संख्या है, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो पहले वो तो संख्या निकाल लें हम लोग, कितने आदमी बढ़ाया जाए। तो ये देखिए, इसके लिए जब भी इस तरह का कार्य में आता है तो एक चीज़ ले लें सिंबल, एक ये W मैन, और उसके बाद डे आवर, और ये किसको रिप्रेजेंट्स करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट्स करेंगे वर्क मैन डेज और आवर्स। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर इंग्लिश वालों को होना चाहिए, चलिए यहीं पर रिप्रेजेंट्स करते हैं कार्य मैन पावर, यानी कि आदमी, वर्कर्स या जो भी लें, दिन और ये घंटा, ये 4 वर्ड्स याद रखें, ठीक है, 4 वर्ड्स। और ये 2 भागों में बांटे, एक पहला कहा जाएगा, एक दूसरा कहा जाएगा। पहला कहा जाएगा मतलब कि देखिए, ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति है और जो कि 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, और व्यक्तियों की कितनी संख्या वृद्धि की जाए कि वो कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाए। तो यहाँ से ये दूसरा भाग है, यहाँ तक पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो उसके लिए डिनोटेशन हम क्या करेंगे कि वर्क W1 मैन M1 डेज D1 और H1, ठीक है। ये हर बार आपको नहीं करना होगा, यहाँ पे समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप बना लेंगे। ये हो गया पहले पार्ट्स के लिए, मतलब कि इसको अगर हम लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1 का प्रयोग करेंगे, और दूसरा पार्ट जहाँ तक स्टार्ट होगा तो वो पार्ट सब ले लें कि यहाँ से लेकर और पूरे तक, ये तो निकालना ही है, तो मान लें कि कितने इंक्रीज करें, यहाँ तक दूसरा पार्ट्स हो जाएगा। और उसको क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को हम मान लेंगे कि दोनों इक्वल करना है हमको, तो ये हो जाएगा W2 M2 D2 H2, ठीक है। अब किस किस चीज़ की कोई ज़रूरी नहीं कि चारों हमें चाहिए, ये हर बार चाहिए नहीं, जो जो होगा वो लेंगे और उसी से अप्लाइड करेंगे। आइए अब दिखाते हैं कि क्या लेंगे, क्या कैसे लेंगे। अब इसमें देख लीजिए कि कार्य जो है वही पूरा होने वाला है, कार्य एक ही है दोनों तरफ से, तो ये दोनों तरफ से हटा दीजिए, घंटा दिया ही नहीं है, दोनों तरफ से हटा दीजिए। क्या क्या दिया है, अब आदमियों की संख्या यानी मैन पावर और नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे पता नहीं कि वो कितने आदमी है, क्योंकि ये सर्टेन नंबर ऑफ मैन दैट मीन्स एक्स, ठीक है। और ये दिया हुआ है 6K, और ये देखिए सर्टेन नंबर है तो ये फिक्स है, ये हमें फाइंड नहीं करना है, ये गिवेन है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जो भी हो। अब ये यहाँ पे M2 टू बी फाइंड हाउ मैनी पर्सन्स बी इंक्रीज्ड, कितने व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। तो ये क्या है, हमें फाइंड करना है, और डेज दिया हुआ है 5K,
ठीक है, नेचुरल है, तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे आप के दोनों तरफ से हटा दीजिए, हो गया। तो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x/5, और पहले से व्यक्ति कितने थे, x, इसको यहाँ माइनस कर दीजिए x, ये नंबर ऑफ इंक्रीज इन मैन होगा, यानी कि व्यक्तियों की बढ़ाई गई संख्या। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, बढ़ाई गई संख्या डिवाइडेड बाई संख्या मल्टीप्लाइड इंटू 100, इसको जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्स बाई फाइव तो इंटू 100, और नीचे एक्स है तो एक्स एक्स कट गया, 5 से 20 times, ये 20% आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान है, जैसे ही वर्क और टाइम से आएगा ये सारे चीज़ ले लेंगे, जो जो मैं यूज करना है यूज करेंगे, जो वहाँ इक्वल है हटा देंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका कभी भी किसी भी एग्जाम्स के लिए, और ये देखिए यार क्वेश्चन हम लोग जरूर सिविल से उठाए हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस सारे सिविल एग्जाम्स में आते हैं। अंतर ये होता है कि वो पैटर्न्स थोड़ा बदल जाता है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स है जैसे कि हाई लेवल एग्ज़ाम्स है, मेंस आ जाएंगे तो वो टॉपिक वाइज हो जाएगा, वहाँ नहीं, मेंस के लिए अलग से तैयारी करवाई जाएगी, वो पर्टिकुलर टॉपिक होता है और उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं। एनडीए के लिए अगर जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग है, इस तरह का एनडीए में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो वहाँ से हट के सिविल एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, और सिविल एग्ज़ाम्स के लिए हायर से लोअर से लेकर हायर तक आप कोई भी एग्ज़ाम्स करेंगे पैटर्न्स जो होगा यही होगा, उसका थोड़ा लेवल्स माइंड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यूज़ करने के लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए तो सही। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं, और उसमें दिया गया है कि एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटा 8 घंटे 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, तो सभी को कार्य पूरा करने में लगाया जाता है, इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा। एक्स वाई जेड कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively, ठीक है। However, ओनली वन पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नो बॉडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours. ऑल आर engaged टू फिनिश द वर्क, वट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम डैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब 3 व्यक्तियों को लगाया जाता है, एक व्यक्ति है 6 घंटे में कर लेगा, दूसरा व्यक्ति है वो 8 घंटे में करेगा, तीसरा भी 8 घंटे में करेगा, ठीक है। अब तीनों को कार्य में लगाया जाता है, लेकिन एक शर्त दिया जाता है कि एक बार में एक व्यक्ति काम करेगा और लगातार एक व्यक्ति 2 घंटा काम नहीं करेगा, मतलब एक एक घंटा ही तीनों काम करेंगे। जैसे कि पहले को लगाया गया तो वो 1 घंटा काम करेगा, दूसरा 1 घंटा करेगा, तीसरा 1 घंटा करेगा। अब क्वेश्चन से यहाँ आता है कि पिछले ही क्वेश्चन में हमने कहा कि टाइम वर्क से जो भी आएगा आप वैसा करना बना लेना, लेकिन ये वैसे से नहीं बनेगा, तो एग्ज़ाम पे ध्यान देना पड़ेगा। लेवल्स आपका जितना हाई होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपको उतना ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका परफेक्टली यूज्ड हो जाए इसके लिए आपको हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस जितना हार्ड करेंगे क्वेश्चंस उतना ज़्यादा निकलेगा, वो जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे हम तक पहुंचाएंगे, तो वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, उस पर आप देखेंगे कि क्या हमसे मिस हो रहा था, उसको फिर से परफेक्ट करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास से कोई भी क्वेश्चंस अनसॉल्वड नहीं पास हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या यूज़ करना है। सबसे पहला कि ये मिनिमम टाइम यूज़ किया है तो हम नेचुरल वैसा स्टार्ट करेंगे कि जो सबसे कम दिनों में करता है उसी को पहले लगाएंगे, यानी कि इसको लगा देंगे पहले वाले को, वो 6 घंटे में ही 1 घंटे वाला काम जो है 6 घंटे में पूरा करता है उसको पहला घंटा उससे करवा लेंगे, ज़्यादा काम करेगा। अगर ये तीनों अलग अलग रहते हैं तो उसमें जो सबसे उसके बाद वाला आता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हम लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना काम करेगा,
एक एक घंटा लगाया इन लोगों को, तो ये कितना काम करेंगे? एक बट्टा छः पार्ट्स ऑफ वर्क, 1/8 पार्ट्स ऑफ वर्क, 1/8 पार्ट ऑफ वर्क, तीनों मिलकर एक एक घंटा किए। 3 घंटा में ये काम कितना कर लिए? तो 3 घंटा में ये काम कर लिए 8 24, तो 4 + 3 + 3 / 24, और ये हो जाएगा, ये कैसे ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि 6 10 10 / 24, और इसको और सॉल्व कर देंगे तो 5 / 12, मतलब 5/12 भाग कार्य ये 3 घंटे में कर चुके, 3 घंटे में 5/12 भाग कर चुके काम का। अब काम कितना बचा है? काम बचा है 1 - 5, या फिर और इसको क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई से भाई कट हमने निकाला था, तो ये 3 घंटा जो है, 3 घंटे में ये कार्य को कर दिए कितना, 5/12 भाग। अब इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ से निकाला था हम लोगों ने, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया इस पार्ट्स को, तो ये हो जाएगा 10/12 भाग, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दे, तो 10/12 भाग कितने घंटे में किए, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 6 घंटे में, ठीक है। अब ये काट देंगे इसको, तो अब ये हो गया 5/6 भाग, यानी कि 6 घंटे में 5/6 भाग कट गया। ऐसा करेंगे इसलिए कि इसको मल्टीपल करते रहेंगे, एक बार निकाल कर, 3 घंटे हैं चाहे 4 लोग मिलकर करते हैं, उनका मल्टीपल निकालते रहेंगे कि वो एक से बड़ा ना जाए, क्योंकि काम एक ही है। तो कार्य हो गया 6 घंटे यूज किया गया, 5/6 कार्य हो गया, शेष कार्य कितना बचा? तो शेष कार्य बचा 1/6, ठीक है, शेष कार्य बचा 1/6, क्यों? क्योंकि 1 में से 5/6 माइनस कर देंगे, 6 - 5/6, शेष कार्य बचा 1/6, और कंटिन्यूस हमको अल्टरनेट करना है, तो बचा किसका है देख लीजिए, 6 घंटा हमने यूज किया, तो ये पहला, फिर इसी को लगाया है, फिर इसको लगाया है, फिर इसको लगाया है, अभी बारी किसकी है, पहले वाली की, ठीक है। तो 1/6 भाग कार्य बचा हुआ है, अब पहला वाला 1/6 भाग कार्य को कितने देर में कर रहा है, 1 घंटे में, तो यहाँ 6 आया है और 7वां लगेगा ये 1/6 वाला, ठीक है। तो ये कार्य पूरा हो गया, तो ये 1 घंटा ये और 6 घंटा ये, तो कुल घंटा बराबर कितना हो गया, कुल घंटा बराबर 6 + 1 यानी कि 7 घंटा, देखिए डी में दिया गया है 7 घंटा। तो इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने में अल्टरनेट वो 1-1 घंटा करेंगे, तो 7 घंटा उन लोगों को लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अच्छी तरह से समझ गए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आपको जिसमें भी प्रॉब्लम्स है और इसको सिंपल मानते हुए अगर मान सकते हैं कि आपका भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप चैनल्स को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके अपना नाम और किस एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स नेम्स लिखकर हमको भेज दीजिए। आपका अगर ग्रुप बनता है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने भेजा, अगर आपका ग्रुप बनता है मिनिमम क्लास चलाने लायक, तो आपको लाइव क्लासेस में फुल सेट उस एग्ज़ाम्स के लिए हम तैयारी आपकी करवाएंगे, अन्यथा आप अपना क्वेश्चंस भेजते रहें और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके ले आएंगे, आपको समझाएंगे उसमें क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपको यूज करना है। हायर क्लासेस के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हायर होगा, लोअर क्लास के लिए सिंपली क्वेश्चन जो पीछे आया था वो इस तरह का आएगा, जो रूल्स ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स पे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करते हुए वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़कर अपने जो उज्ज्वल भविष्य में खुशियाँ बिखेरेंगे, उसमें मेरा भी कुछ पार्ट्स जोड़ेंगे और मुझे भी खुश होने का मौका देंगे अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़कर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।